कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। ये इस प्रकार के तिलक करने के बारे में कहा गया, तो अच्छे से बाएं हाथ में लेता हुआ घड़े को और अनामिका से चारों ओर कुंभ पर किससे, मलयागिरी के चारों चंदन से, अच्छा सुगंधित चंदन है मलयागिरी चंदन, चारों यानी बहुत सुंदर, जिसे अपन कहें देखने में बहुत अच्छा प्रशस्त लग रहा हो, चारू का अर्थ होता है सुंदर, मलयागिरी के चारू चंदन से स्वयं का प्रतीक, अपने आप का प्रतीक स्वस्तिक अंकित करता है चारों ओर, कहां पर, चारों दिशाओं में, एक दिशा में नहीं, उस कुंभ के चारों ओर, चारों ओर कुंभ पर मलयागिरी के चारों चंदन से स्वयं का प्रतीक स्वस्तिक अंकित करता है, स्वाकी उपलब्धि हो सबको, इस भाव से स्वाकी सबको यानी अपने आप की उपलब्धि हो, इसलिए स्वस्तिक जिसकी अंदर सबके अंदर अपने आप के प्रति आस्था हो, आस्तिक पना हो, उसका नाम है स्वास्थ्य, जो सबके कल्याण, अपने कल्याण के साथ साथ सबके कल्याण की भावना जिसमें हो, उसका नाम है स्वास्तिक। इस भांति प्रत्येक स्वास्तिक के मस्तक पर चार बिंदिया समेत ओकार लिखा गया, ऊपर उस पर क्या लिखा गया, ओकार लिखा गया, योग और उपयोग की स्थिरता हेतु योगियों का ध्यान प्रायः इसी पर टिकता है, क्योंकि पंच परमेष्ठी का प्रतीक अगर कोई है तो कौन है, ओंकार, ऐसा ओंकार की रचना उसमें की गई और योगियों के ध्यान का प्रतीक प्रायः इसी पर टिकता है। अब ये सब बन गया, उकार भी बन गया, बिंदी भी रख दी, चंद्र बिंदी भी रख दी, ये पूरा पूरा श्रृंगार हो रहा है उस घड़े का, कभी भी हो जब अपन मंगल कलश बनाते तो ऐसे नहीं होता, उठाया सीधा रखो और सीधा खड़े हो गए, बढ़िया बनाने थे, अभी और भी तैयारी चल रही, देखिए और क्या बनाया जा रहा है, हल्दी की दो पतली रेखाएं रेखाओं से ऊपर कुंभ के कंठ शोभित हुआ, उसका श्रृंगार किया जा रहा है चारों तरफ से, कंठ यानी उसका गला कुंभ का, जिन रेखाओं के बीच कुमकुम का पुट देते देखते ही बनता है, हल्दी कुमकुम केसर चंदन ने अपनी महक से माहौल को मुग्ध मुदित किया, अपने आप एक गड़ा कैसा हो गया, बिल्कुल महक उठाए, हल्दी कुमकुम केसर चंदन कितनी चीजें हो गई, ये सारी की सारी अपनी महक से माहौल को मुग्ध मुदित किया, सब उसकी केसर से और इसको प्रसन्न हो रहा है, मृदुल मंजुल समता समूह हरित हसी ले, सबसे पहले मृदुल यानी मुलायम, मंजुल अच्छे सुंदर दिखने वाले, समता समूह, समता के समूह बहुत मृदु है मधुर है, समता भी समूह हरित हसी ले, जिसकी पूरा रंग कैसा है, हरित हरा है, हसी ले ऐसा बिल्कुल कुमलाया हुआ नहीं, भोजन पान पाचक, भोजन के बाद जो खाने वाला जो क्या है, पान पाचक, ऐसे चार पांच पान खाने के यानी जो खाने वाले पान थे, अब ये खाने के लिए नहीं,
चार पांच खाने वाले जो पान वो है खाने के कुंभ के मुख पर रखे गए पान के पत्ते। आप जो पत्ती रखते हो ये पंखुड़ियां हैं, तो दो प्रकार की, एक मंगल क्लास में आचार्य जी से पूछा और जगह तो आम के पत्ते रखे जाते, आपने तो पान के पत्ते क्यों रखे मंगल कलश पे? बोले कि यहाँ तुम लोगों के यहाँ आम के पत्ते रखे जाते हैं, दक्षिण भारत में पान के पत्ते रखे जाते हैं। तो वहां पर जैसे पान पत्ते प्रदान करने की बात होती तो वहां पान भी रखे जाते हैं, तो पान के प्रतीक ऐसे फले। तो चार पांच ऐसे कुंभ के मुख पर रखे गए खुली कमल की पंखुड़ी सम जिनके मुखाग्र बाहर निकल रहे हैं। खुली हुई पंखुड़ी जैसे कमल के जब फूल खिलता है तो उसकी पंखुड़ियां कैसी बाहर निकली रहती है, ऐसे ही उसके मुखाग्र के बाहर दिख रहे हैं और उसके बीच में उन्हें सैलाने एक श्रीफल रख दिया। सैलाने उनको सैलाने के लिए संभालने के लिए बचाने के गिर ना जाए तो एक श्रीफल रख दिया जिस पर हल्दी कुमकुम छिड़के गए उस नारियल पर। इस अवसर पर श्रीफल ने कहा पत्रों को कि हमारा तन कठोर है और तुम्हारा मृदु, और यह काठिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब नारियल और पानों के बीच में क्या हो रही है, संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है कि देखो हम तो ठहरे कैसे कठोर और तुम कैसे हो मृदु, यह काठिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज तक इस तन को मृदुता ही रुचती आई है। हर कोई व्यक्ति को कठोरता पसंद नहीं होती, मुलायम हो सबको अच्छी लगती है ना। कोई तुमसे कहे कि आज तुम्हें पत्थर पे सोना है, अरे भैया क्या कह रहे हो, और तुमसे कोई कहे अच्छी गद्दा पे सोना है तो ठीक है, आज तुम्हारे लिए सोने की क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं जी पाटा डला इस पे सो, अच्छे इस पे सोना है, अब आप क्या करोगे, अब ठीक है नहीं है आज क्या है, आज तो तुम्हारे लिए दरी है, ये चटाई मिलेगी चटाई भी सोना है, ऐसा है। और उससे कह दो अच्छा आज तुम्हारे लिए डल्लब का गद्दा रखा हुआ है, अच्छा आज डल्लब का गद्दा है। मृदुता सबको पसंद है, कठोरता किसी को पसंद नहीं। आज तक इस तन को मृदुता की रिश्ता आई है, परंतु संसार पथ था यह पथ उससे विपरीत है ना, ये मोक्ष पथ है, यहाँ तो उल्टा ही मिलेगा, यहाँ डल्लब नहीं मिलने वाला, अगर मिलगा पाटा ही मिलगा तो बहुत है, और नहीं है तो अच्छे से कहाँ, जितना कठोर पे सो सको उतना ही अच्छा, यहाँ मृदु पर सोने का काम नहीं है, क्योंकि यह पथ उससे विपरीत है ना, यहाँ पर आत्मा को जीतना है ना, इस पथ का संबंध तन से नहीं तब गौण चेतन काम है, काम्य है ऐसा कहा गया, वही इस पथ पर तन से संबंध नहीं होता, इस पथ पर तो मात्र चेतनता से ही उसका एक ही काम है और कोई किसी से प्रकार नहीं। मृदु और काठिन्य में साम है यहाँ, चाहे कोई कठोर हो चाहे कोई मृदु, यहाँ राग देश नहीं करना, दोनों में साम्य भाव बना के रखना, और यह हृदय हमारा कितना कोमल है, इतना कोमल है क्या तुम्हारा यह उपरेल तन, ऊपर का जो तन है उपरेल ऊपर ऊपर वाला, पर हमारे अंदर का हृदय बहुत कितना कोमल है, इतना कोमल है कि क्या तुम्हारा यह उपरेल तन यानी उस पान से करा तुम्हारा जो ऊपर का जो तन है, बस हमारे भीतर जाकर झांको, देखो मैं अंदर से तो बहुत मुलायम हूं बाहर से कठोर जरूर हो। नारियल कैसा होता है, बाहर से कठोर पर भीतर से मुलायम। संसार में
यहां पर ये कहा मोक्ष मार्ग ही बिल्कुल वैसे ही होता, नरियल जैसा। और जो नरियल के स्वभाव वाला होता है वही सच्चा मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। ऐसा नहीं भीतर से भी कठोर हो जाओ है और बाहर से भी कठोर हो जाओ तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं बन सकता। और एक वे होते हैं जो बाहर भीतर दोनों एक से होते, बोले किसमिस जैसे मुलायम, ऐसी मृदुचर्या वाले बिल्कुल, जिनका स्वभाव बाहर से भी मृदु है भीतर से भी मृदु है, लेकिन ज्यादा भी मृदु। कभी कुछ चीजों में संकल्प शक्ति में कठोरता रखना जरूरी है, इसलिए सबसे अच्छा यही है। तो इस प्रकार तन को नहीं छूती हृदय को छू, मृदुता कठिनता की सही पहचान तन को नहीं हृदय को छू कर होती है। ये बात बस हमारे भीतर जाकर झांको, मृदुद्वार और कठिनता की सही पहचान तन को नहीं। तुम विश्वास जो कैसा कठोर मेरे ऊपर रख दिया, मात्र मेरी कठोरता को मत देखना, थोड़ा हृदय को छूकर होती मेरे अंतरंग हृदय को छूने की कोशिश करना। ऐसा एक बार बहुत अच्छा चिंतन दिया था, देखिए आचार्य जी ने शायद मुझे एक बार क्लास में, देखो नारियल में आपको कर्म सिद्धांत का रस दिखाया, कितने कर्म होते हैं, बोले 8 कर्म, और जब तक 8 कर्म रहते हैं तब तक तुझे अंतरंग की निर्मलता का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो बोले कि जैसे नारियल है, नारियल में बाहर से कितना कठोर है, बहुत कठोर, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक तुझे अंतरंग का जो सारभूत तत्व उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है, वो बहुत कठोर है। बोले वैसे ही संसारी आत्मा के जो घातिया कर्म है, कौन कौन से घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, वो नारियल के उस बाहर कठोर कवच की तरह है। तो घातिया कर्म क्या हो गया, उस कठोर के समान। फिर बाद में उसके ऊपर काली काली कैसर लगी चढ़ी रहती है, परत चढ़ी हुई है, उसको हटाओ अघातिया कर्म की परत किसकी है, अघातिया कर्म, ये 4 अघात्मा कर्म रूपी परत जैसे ही हटती है आपको वह सफेदी, निर्मल सफेदी कैसी दिख जाती है। वैस ये कर्म है, 8 कर्म का प्रतीक श्री फल का, इसका नाम है श्री फल, श्री फल भी कहा जाता है इसको है। तो वह श्री यानी लक्ष्मी, अपनी तुम्हारी जो वास्तविक लक्ष्मी को देने वाला हो उसका नाम सही है श्री फल। तो देखिए श्रीफल की जटाएं हटा दी गई, उसका नाम क्या रखा, श्रीफल अभी रखा था तो उसकी जटाएं हटा दी गई। सर पर एक चोटी भर तनी है, ऊपर की जटा वाले उसकी तनी है, जिस चोटी में महकता खिला खुला गुलाब फंसा फंसाया गया है। अच्छा एक सुंदर गुलाब का फूल जैसा और उसमें फंसा दिया गया। प्रायः सबकी चोटी अधोमुखी हुआ करती है, व्यक्ति की जो सिर की चोटियां होती है सबकी चोटियां कैसी होती हैं, अधोमुख हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की ऊर्ध्वमुखी है चोटी। हो सकता है इसलिए कि श्रीफल के दान को मुक्ति फल प्रदान कहा हुआ है, यहाँ इसका दान करने वाला मुक्ति फल प्रदान करना। एक और आप लोगों को बात करते हैं, है ना, ये प्रतीक है बिल्कुल उसका है, ये इसका आपको देखिए, ये है एक और, ये चोटी का संबंध कई लोगों को कहते हैं महाराज जी चोटी हटा करके रखना चाहिए कि चढ़ाना चाहिए, नहीं
इसको हटाना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। दो बातें आपको बताते हैं कि एक श्रीफल को चढ़ाना और एक श्रीफल को भेंट करना, दोनों में अंतर है। चढ़ाना, तो चढ़ाने की जब बात आती तो चढ़ाया कब जाता है, तो उन्होंने कहा जब आप श्रीफल को हाथ में ले तो जो चोटी है जिसे जहां लगा रहता तन तना उसका, वो आगे साइड करिए। जैसे देव सास गुरु के चरणों में श्रीफल को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, भेंट नहीं किया जाता, भेंट नहीं किया जाता। तो जब चढ़ाया जाता है तो उसको आगे रखिए, आगे रख करके उनको अदक चंदन तांदल पुष्प कई ऐसा करके गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में उसको चढ़ाना। लेकिन अब मान लो कोई व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति, आप सम्मान कर रहे हो, उसको भेंट में देना है, तो भेंट में क्या होता है, भेंट में आपको चोटी को अंदर करना चाहिए, सामने वाले को ऐसा पकड़ाना चाहिए चढ़ाते समय सामने करके, क्योंकि उससे हमें संबंध जोड़ना है, मुझे तुम जैसा बनना है। और जब आदमी सामने वाले को भेंट किया जाता है तो भेंट करते समय हमें भैया संबंध तो अपचित तो है, सो उतना ही रहने दो, और आगे ज्यादा हो तो भगवान के चरणों से संबंध जोड़ने का प्रतीक है। और वो सामान जैसे कोई शिखर जी से आया, किसी को भेंट में देना है, तो भेंट में देते समय कैसे देना चाहिए ये हम ध्यान नहीं रखते, चढ़ाते समय देते समय ये सब चीज़ें हमें ध्यान में, ये भी प्रतीकात्मक होते हैं, इनका कोई ना कोई रीजन है। तो ऐसा ही खुला खुला ऐसा देते श्रीफल आदि ऊर्ध्वमुखी हो सकता है, इसलिए श्रीफल का दान मुक्ति फल प्रदान कहा। निर्विकार पुरुष का जाप करो, यो करती सी अपार प्रदर्शना शीला, शुद्ध स्फटिक मणि की माला और उस पर लगी हुई है, कुंभ के गले में डाली गई, अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यो सजा हुआ, मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलुदार चंदन की चौकी पर, बिल्कुल तैयार करके वह हटक गया है। अब कलश, मंगल कलश तैयार हो चुका है, अब देखिए उस मंगल कलश का क्या होने वाला है, आगे की बात समझेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत।